हे गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरप्ट्स की हैंडलिंग देखेंगे टाइमर 2 के साथ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता इंटरप्ट्स होते क्या हैं और अगर आपको नहीं पता बेसिकली टाइमर 2 वर्क कैसे करते हैं, तो आप इससे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियोज़ में मैंने इंटरप्ट्स की हैंडलिंग और टाइमर 2 के वर्किंग के बारे में बताया है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल टाइमर 2 के साथ इंटरप्ट की हैंडलिंग को समझने के लिए हम लोगों ने एक टास्क लिया है। बेसिकली मैं यहाँ पर एक स्क्वायर वेव को जनरेट करूँगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होगी, और ये जो आप फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे ये टाइमर 2 की हेल्प से करेंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोगों को दी हुई हैं, लाइक आपका जो इंटरनल ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 मेगा हर्ट्ज है, और एटमेगा 8 के टाइमर 2 के साथ हम लोगों को यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड प्री कलर्स मिलते हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, तो आपने देखा जब हम टाइमर 2 को सिंपल वे में यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोग जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो 1.913 हर्ट्ज के आसपास जनरेट कर सकते थे। बट अगर इससे कम आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जनरेट करनी होती है तो उस केस में आप लोगों को अपने नंबर ऑफ ओवरफ्लोज को काउंट करना होता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इंटरप्ट को यूज करें। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर अपने कुछ कैलकुलेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी है आपके स्क्वायर वेव की वो है 0.5 हर्ट्ज, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो टोटल टाइम है वो आएगा 1/f, तो ये आप लोगों का टोटल आ जाएगा 2 सेकेंड्स। अब ये हम लोगों की एक स्क्वायर वेव है, तो स्क्वायर वेव में आपका ऑन टाइम और ऑफ टाइम इक्वल होता है और टोटल टाइम आपका ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम होता है। तो इस हिसाब से हम लोगों का ऑन टाइम और ऑफ टाइम जो है वो 1/1 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो स्क्वायर वेव जनरेट करनी है वो 1 सेकेंड के लिए हाई रहेगी और नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए लो रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद अलग अलग प्री स्केलर्स के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर टेबल है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर आप लोग प्री स्केलर यहाँ पर 1024 लेंगे तो यहाँ पर जो हम लोगों की इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो आएगी 0.976 किलोहर्ट्ज। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका इफेक्टिव टाइम है वो आएगा 1.025 मिलीसेकेंड्स। मतलब कि हर 1.025 मिलीसेकेंड्स के बाद आपके टाइमर की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी। तो इसके हिसाब से आपका जो टाइमर का ओवरफ्लो होगा वो हर 261.375 मिलीसेकेंड्स के बाद होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर अपने नंबर ऑफ ओवरफ्लोज को काउंट करना है। यहाँ पर हम लोगों को जो डिले जनरेट करना है या फिर जो आपका यहाँ पर पल्स की विड्थ है वो होगी 1000 मिलीसेकेंड, और आपका जो टाइमर है वो ओवरफ्लो हो रहा है 261.375 मिलीसेकेंड्स के बाद। तो यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ ओवरफ्लोज निकालने हो तो आप 1000 को डिवाइड करेंगे 261.375 से, तो आप लोगों की यहाँ पर जो वैल्यू है वो आएगी 3.826। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया टोटल नंबर ऑफ ओवरफ्लोज जिसके थ्रू आप 1 सेकेंड की पल्स को जनरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोगों का जो नंबर ऑफ ओवरफ्लोज है वो एक इंटीग्रल वैल्यू होती है, तो आप लोगों ने ये जो वैल्यू आएगी इसको राउंड ऑफ करना है। तो 3.8 को हम लोगों ने राउंड ऑफ करके यहाँ पर 4 ले लिया है। तो जब हम लोगों का टाइमर यहाँ पर 4 टाइम्स ओवरफ्लो होगा तो उस कंडीशन में जो हम लोगों की पल्स जनरेट होगी उसकी विड्थ होगी यहाँ पर 1045.5 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर जनरेट करना था 1000 का, बट यहाँ पर जो जनरेट हो रही है वो हो रही है 1045.5 मिलीसेकेंड्स की, तो यहाँ पर आप लोगों की एक एरर होगी जो कि होगी 45.5 मिलीसेकेंड्स की। सिमिलरली यहाँ पर आप देख पाएंगे अलग अलग प्री स्केलर्स के लिए हम लोगों की अलग अलग यहाँ पर एरर्स आ रही हैं, और जैसे जैसे आप प्री स्केलर्स को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे हम लोगों का यहाँ पर जो एरर है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर अगर आप लोग प्री स्केलर 8 लेते हैं तो इफेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 125 किलोहर्ट्ज आएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका इफेक्टिव टाइम है वो आएगा 0.008 मिलीसेकेंड्स, और यहाँ पर जो आपका ओवरफ्लो टाइम होगा वो होगा 2.04 मिलीसेकेंड्स।
तो इसके करेस्पॉन्डिंग अगर आप नंबर ऑफ ओवरफ्लोज निकालो 1000 मिलीसेकंड्स के हिसाब से, तो आप लोगों का यहाँ पर 490.196 नंबर ऑफ ओवरफ्लोज आएंगे। इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो ये आपका 490 आएगा। और जब आप यहाँ पर 490 ओवरफ्लोज को काउंट कर चुके होंगे, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो आप लोगों की यहाँ पर पल्स जनरेट होगी उसकी विड्थ होगी 999.6 मिलीसेकंड्स। तो यहाँ पर आपका जो एरर होगा वो हो जाएगा -0.4 मिलीसेकंड्स का। तो जिस सिस्टम में इतने टाइम से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है तो वहाँ पर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को एग्जैक्ट वहाँ पर डिले चाहिए या एग्जैक्ट आप लोगों को वहाँ पर टाइम पीरियड चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर CTC मोड को यूज़ करते हैं। CTC मोड को हम लोग आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पर 1024 प्रीस्केलर के करस्पॉन्डिंग एक वेव को जनरेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोगों के टास्क का एक फ्लो चार्ट है। यहाँ पर बेसिकली आपका जो मेन फंक्शन है उसमें हम लोगों के टाइमर की वैल्यू 0 से 255 तक काउंट होंगी, और जैसे ही आपकी ये वैल्यू 255 रीच होगी वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर जो इंटरप्ट है वो ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो काउंटिंग होगी वो 0 से 255 तक होगी, तो इसके बीच में आपका जो यहाँ पर पल्स जनरेट होगी वो होगी 261.375 मिलीसेकंड्स की। और जैसे ही आपका यहाँ पर टाइमर ओवरफ्लो हुआ तो आपका जो मेन प्रोग्राम था वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, और इसके बाद आपका जो ISR है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ISR में बेसिकली हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ ओवरफ्लोज को काउंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आपका यहाँ पर टाइमर ओवरफ्लो होगा तो हम लोगों के काउंट की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, और इसके बाद अगेन हम लोगों का यहाँ पर मेन प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर से आप लोगों के यहाँ पर जो टाइमर की वैल्यू है वो 0 से 255 रीच करेगी। तो इस बीच में आपका जो यहाँ पर डिले है वो 261.375 प्लस 261.375 हो जाएगा, तो ये आपका टोटल यहाँ पर जो डिले होगा वो 522.75 मिलीसेकंड्स का हो चुका होगा। इसके बाद अगेन हम लोगों का यहाँ पर टाइमर जो है वो ओवरफ्लो होगा और आपका यहाँ पर जो इंटरप्ट है वो ट्रिगर हो जाएगा। इंटरप्ट ट्रिगर होते ही आपका यहाँ पर जो मेन प्रोग्राम था वो यहाँ पर स्टॉप होगा, और इसके बाद आपका यहाँ पर ISR जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और ISR में आपके काउंट की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 थी, तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, तो अब आपके काउंट की वैल्यू यहाँ पर 2 हो चुकी होगी। सिमिलरली ये आपका 4 बार ओवरफ्लो होगा। अब जैसे ही आपका फोर्थ टाइम ये ओवरफ्लो होगा तो उस टाइम आपके जो टोटल पल्स की विड्थ या फिर टोटल टाइम है वो हो चुका होगा 1045 मिलीसेकंड्स के आसपास। तो जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर काउंट की वैल्यू 4 होगी, आप अपनी पल्स जो है उसको यहाँ पर से अगर हाई है तो उसको लो कर देंगे, और इसके बाद अगेन आप काउंट की वैल्यू को 0 कर देंगे। तो फिर से आप लोगों का यहाँ पर यही चीज़ होगी, 4 टाइम्स के लिए आप लोगों का यहाँ पर जो ओवरफ्लो है वो काउंट होगा, और उसके बाद जैसे ही आपका काउंट की वैल्यू 4 होती है वैसे ही हम लोगों का जो पल्स का स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं अपने एनिमेशन से। मैं यहाँ पर जो वेव है उसको जनरेट करने वाला हूँ PC0 से, और इनिशियली हम लोग यहाँ पर जो PC0 है इसको हाई कर देंगे, मतलब कि आपकी जो वेव थी वो इनिशियली हाई रहेगी। अब इसके बाद आपका जो मेन फंक्शन है उसमें टाइमर की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपकी जाएगी 255 तक। अब जैसे ही आपकी ये वैल्यू 255 रीच करेगी हम लोग यहाँ पर जो नंबर ऑफ ओवरफ्लोज है उसको काउंट करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो काउंट है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये वैल्यू 1 होने के बाद अगेन हम लोगों का जो टाइमर है मेन फंक्शन में वो इंक्रीमेंट करेगा 0 से 1, 2, 3 एंड सो ऑन 255 तक। अब जैसे ही ये सेकेंड टाइम आपका ओवरफ्लो हुआ तो आपके काउंट की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड टाइम यहाँ पर आपका टाइमर ओवरफ्लो होगा और आपके काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड फिर से यहाँ पर आपका जो टाइमर है वो अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करेगा, और जैसे ही आपका यहाँ पर काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर जो डिले है वो 1045 मिलीसेकंड्स का हो चुका होगा। तो अगेन आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने PC0 की जो वैल्यू है उसको लो कर देंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर आपका 1045 मिलीसेकंड्स के लिए आपकी जो पल्स है वो हाई रहेगी और उसके बाद ये लो हो जाएगी। अब जैसे ही आपका काउंट की वैल्यू 4 हो जाती है
वैसे ही हम इसको लो करेंगे और इसके साथ में आप काउंट की वैल्यू को अगेन यहाँ पर जीरो कर देंगे। तो इसके बाद बेसिकली होगा क्या, हम लोगों की जो पल्स है वो नेक्स्ट 1045 मिलीसेकंड्स के लिए ऑफ रहेगी और अगेन वो ऑन होगी, ऑफ होगी एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग को यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर avr/io.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। यहाँ पर मैं इंटरप्ट को यूज़ करने वाला हूँ, तो इसके लिए आप लोगों ने avr/interrupt.h नाम की हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने अपने नंबर ऑफ ओवरफ्लोज को काउंट करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसका नाम काउंट है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने PC0 जो लाइन है इसको आउटपुट लाइन डिफाइन किया है, क्योंकि इसी लाइन से मैं यहाँ पर अपनी वेव को जनरेट करने वाला हूँ। और इनिशियली हम लोग यहाँ पर जो पल्स होगी उसको हाई रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने पोर्ट C=0x01 लिख लिया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने अपने टाइमर का मोड बताना होता है, उसके प्री स्केलर्स को बताना होता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर नॉर्मल मोड यूज़ कर रहे हैं और प्री स्केलर में यहाँ पर 1024 ले रहा हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों की ये जो बिट्स हैं इनको आप लोगों ने सेट कर लिया। इसके बाद इनिशियली हम लोगों को अपने टाइमर 2 को इनिशलाइज करना होता है और इनिशियली जो यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं वो 0x00 देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने अपने ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल करना है, तो उसके लिए आप लोगों के पास यहाँ पर SEI नाम से फंक्शन होता है। और ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर अपने लोकल इंटरप्ट को भी इनेबल करना होगा। तो लोकल इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए आपने TIMS के रजिस्टर की जो ये बिट है इसको सेट कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर एक वाइल लूप है जो कि एक इनफाइनाइट लूप है, और इसी लूप के अंदर हम लोगों के टाइमर की जो वैल्यूज हैं वो 0 से 255 तक काउंट होती हैं। अब जैसे ही आपके टाइमर की वैल्यू 255 रीच करती हैं, वैसे ही हम लोगों का जो टाइमर है वो ओवरफ्लो होगा, और जैसे ही आपका यहाँ पर टाइमर ओवरफ्लो होगा वैसे करस्पॉन्डिंग जो ISR है वो हम लोगों का एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो आपका कोड है ये बेसिकली आपके टाइमर 2 का ISR है। तो यहाँ पर बेसिकली हम ISR के अंदर कर क्या रहे हैं, आप यहाँ पर जैसे ही टाइमर ओवरफ्लो होगा वैसे ही काउंट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इनिशियली काउंट की जो वैल्यू है वो 0 थी, अब जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम यहाँ पर टाइमर ओवरफ्लो होगा आप काउंट की वैल्यू को 1 कर देंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे काउंट की वैल्यू 4 के इक्वल हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर टोटल जो डिले जनरेट करना है वो 1000 मिलीसेकंड्स का करना है, जो कि आपका नंबर ऑफ ओवरफ्लो जब 4 हो जाते हैं तब जनरेट होता है। तो फिलहाल हम लोगों का यहाँ पर जो काउंट है उसकी वैल्यू 1 है, तो आपका ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जैसे ही आपका यहाँ पर ISR एग्जीक्यूट होता है CPU फिर से यहाँ पर अपने मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, तो ये अगेन आपका यहाँ पर वाइल लूप के अंदर आएगा और यहाँ पर फिर से आपका जो टाइमर है वो अपनी वैल्यूज को इंक्रीमेंट करेगा। अब जैसे ही सेकेंड टाइम यहाँ पर आपका ओवरफ्लो होगा तो काउंट की वैल्यू यहाँ पर 2 हो चुकी होगी, तो ये कंडीशन फिर से आपकी फॉल्स है, तो ये फिर से आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब जब आपका यहाँ पर काउंट की वैल्यू 4 हो चुकी होगी तो उस कंडीशन में देखिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप लोगों ने अपने PC पोर्ट की जो वैल्यू है उसको चेंज कर देना है। अगर आपकी यहाँ पर पल्स हाई थी तो उसको आप लो कर देंगे, और अगर वो लो थी तो उसको आप हाई कर देंगे, और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जो काउंट है उसकी वैल्यू को भी रिसेट कर देना है। तो यहाँ पर अगर आपकी पल्स हाई थी तो वो लो हो जाएगी। अब ये लो होने के बाद आपका काउंट की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो फिर से हम लोगों का यहाँ पर जब तक काउंट की वैल्यू 4 नहीं हो जाती तब तक ये पल्स आपकी लो रहेगी। अब जैसे ही यहाँ पर काउंट की वैल्यू 4 हो गई अगेन आपका यहाँ पर जो पल्स है उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, तो सो ऑन आपको यहाँ पर एक स्क्वायर वेव जनरेट होती दिख जाएगी। तो ये हम लोगों का कोड है इस टास्क के लिए, इसको मैं यहाँ से बिल्ट कर लेता हूँ। तो बिल्ट हो चुका है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट इस चीज़ को हम लोग अपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो ये हम लोगों का सिमुलेशन है इस टास्क के लिए। यहाँ पर बेसिकली हम लोग PC0 से अपने पल्स को जनरेट करेंगे और इसके बाद हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे अपने इस ऑसिलोस्कोप से। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपने इस कंट्रोलर को प्रोग्राम करना होगा। यहाँ पर प्रोग्राम फाइल में आपकी जो भी हेक्स फाइल जनरेट हुई होगी आप उसको फीड करेंगे,
और इसके बाद मैं इस एनिमेशन को यहाँ से प्ले कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे जूम इन करता हूँ, तो देख पाएंगे आप लोग यहाँ पर हम लोगों की स्क्वायर वेव्स जनरेट हो रही हैं। और अगर आप इसकी विड्थ को यहाँ पर मेज़र करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोगों की जो पल्स है वो स्टार्ट हो रही है 18 मिली सेकेंड से, और इसका जो स्टेटस है वो चेंज हो रहा है आपका 1.06 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर अगर आप ओपन यहाँ से करते हैं, और अगर आप यहाँ पर 1060 माइनस 18 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 1042 मिली सेकेंड्स। तो आप लोगों की जो यहाँ पर पल्स जनरेट हो रही है वो 1042 मिली सेकेंड्स के अप्रॉक्स की हो रही है। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने टाइमर 2 के CTC मोड के बारे में बात करेंगे। सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग ज़रूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।